सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का हमारा ये सफ़र है उत्तराखंड के एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में चक्राता के लिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं चक्राता भी यहाँ से बचा हुआ है 62 किलोमीटर। सो 2 से 2.5 घंटे हमें लगेंगे और लग ही नहीं रहा है यार कि हम पहाड़ों में हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। और अभी पीछे हम आए हैं, जो आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा, हनोल महासू देवता की तरफ से, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, लेकिन इस तरफ आते ही एकदम चमचमाती धूप। तो चलते हैं अभी जल्दी से और दिखाते हैं आपको चक्राता की सबसे अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से कई जगह। तो स्टे ट्यून्ड। काफी डर लग रहा है। तो अभी आगे जाते हुए यार मुझे व्यू दिखा, देखो सामने अब क्या गजब पहाड़ है यार। मुझे एकदम रिमाइंड करा दिया इन्होंने, कहा कि अगर आपने मेरे चैनल पे देखे होंगे सारे ब्लॉग्स, तो इन्होंने मुझे रिमाइंड कराया अली बेदनी भुग्याल। देखो यार बिल्कुल सिमिलैरिटी है, ऊपर देखो ऐसा लग रहा पूरा भुग्याल ही है ये। ये देखो जब हम जाते हैं ना बेदनी भुग्याल से अली की तरफ, तो सेम ऐसा ही स्लोप रहता है और ऐसा ही कुछ व्यू रहता है वहाँ का। अगर जगह के बारे में नहीं पता तो बता दूँ, एशिया के सबसे बड़े भुग्याल हैं वो। अगर आप और चैनल पे जाके ज़रूर देखो, मज़ा आ जाएगा आपको कसम से। रूपकुंड ट्रैक का वही से रास्ता शुरू होता है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए थे यार चक्राता, क्योंकि सर्किट को हम उल्टी तरफ से पूरा कर रहे हैं वाया लाखा मंडल होते हुए देन महासू देवता। तो चक्राता पहुंचते ही सबसे पहली डेस्टिनेशन है आपकी यहाँ पे ये कोटी कनासर पर्यटन स्थल। तो यहाँ पे जो है व्यू पॉइंट वगैरह हैं और छोटे मोटे ट्रैक्स वगैरह हैं। तो पहली जगह ये है आपकी चक्राता पहुंचते ही, और अभी इस तरफ हमें आगे जाना है। थोड़ा बहुत सामान वगैरह अभी यहाँ से हम ले रहे हैं, कैंपिंग का ही आज भी प्लान है। और अभी हम जो है उस साइड से, वो पतली अगर रोड आपको दिख रही है तो उधर से होते हुए ये पूरा पहाड़, फिर ये पहाड़, पूरा ये रोड होते हुए इधर से पूरे ये 3-4 पहाड़ क्रॉस करते हुए, और इन पेड़ों के पीछे भी 2-3 पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं कोटी कनासर। तो आगे बढ़ते हुए शाम के अभी बज रहे हैं 5 और हम हैं अभी कोटी कनासर में ही। और एरिया देखो यार आप, क्या खुले मैदान और क्या लंबे लंबे पेड़। और यहाँ पे ये जो है क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ये जो है फॉरेस्ट के ही बंदे हैं, कोई लोकल्स नहीं है, क्योंकि पूरी तैयारी से इतनी दूर पहाड़ों में आना, तामझाम लेके क्रिकेट खेलना कोई आसान बात नहीं है, तो ये फॉरेस्ट के ही लोग हैं। और पूरा देखो आप ये कोटी कनासर में क्या एरिया है यार, मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर भी है, और कैंपिंग के लिए आप वो दूर आप देख सकते हो, तो कैंप साइट भी ये है, अपने सेल्फ कैंपिंग भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। और क्रिकेट मैच यहाँ पे चलता हुआ, एक बॉल देखते हैं ज़रा। अरे बाप रे, अरे बॉल आ गई। तो ठीक है फिर चलते हैं भाई यहाँ से भी आगे मेन चक्राता की तरफ। और लोकेशन का यार आप भी कंफ्यूज मत हो, पूरा क्लियर मैं आपको बताता हूँ कि चक्राता और लाखा मंडल और आपका ये महासू देवता ट्यूनी, ये सारी जगह जो है ये आती हैं आपकी जौनसार भावर के अंदर। तो चक्राता अलग नहीं है, जौनसार भावर अलग नहीं है, जौनसार भावर के अंदर जो है पूरे ये रीजन्स आते हैं। ये है, अभी चलते हैं हम आगे इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। हम देखते हैं कैंप साइट अपने लिए, और बाकी सारा खाने पीने का सामान हमने ले लिया है। तो मिलते हैं अगले पॉइंट पे, या मिलेंगे वो आपसे कल सुबह, क्योंकि रात को ऐसा कुछ दिखाने के लिए होगा नहीं।
कल सुबह मिलते हैं आपसे अब. टिल देन गुड नाइट. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और बेहतरीन सनराइज के साथ स्वागत है एक बार फिर से आपका डे 3 में हमारे चैनल पे. सो यार, रात को हमने आपको दिखाई थी मूनलाइट और कब हम कल सो गए क्योंकि दो दिन से जो है काफ़ी ज़्यादा थक गए थे. तो ये ब्यूटीफुल सनराइज इधर, टाइम अभी हो रहा है सुबह के 6:45 और ये देखो यहाँ का नज़ारा आप, बाकी इधर देखो आप तो सामने अभी जो है चांद भी है विजिबल. तो ये है जल्दी उठने का एक फायदा. और क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है यार. तो ये पहाड़ एग्जैक्टली जहाँ पे हम रुके हुए हैं, एक पहाड़ की धार जिसे बोलते हैं, तो ये इसका पूरा रीजन है क्योंकि इस साइड भी खाई है और इस साइड भी खाई है. और सामने ये है इस पहाड़ का टॉप, यहीं से जो है हम रात को लकड़ियाँ वगैरह लेकर आए थे. और ये देखो यार, ये हमारा रात को बॉनफायर था. तो करीब ऐसी जो है ये छोटी छोटी मिला के करीब ऐसी 15-20 लकड़ियाँ थी, तो सब हो चुकी हैं भस्म और अभी भी हल्का हल्का जो है आग में से आवाज़ आ रही है जलने की. तो पंकज भाई कैसा, फिर सही है, नींद पूरी हो गई? अच्छा, सन बात लेने की कोशिश है. ओके ओके गुड, सही है, सुबह सुबह की धूप में होता है विटामिन डी. और नज़ारे देखो. और यार कल एक भाई जी मिले थे तो मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ. वो सामने देखो, ये ऊपर चांद और ठीक उसके नीचे देखो आप इस धार पे सीधा ये चांद से, और ये है उनका घर. तो इस धार से अगर आप देखो तो यार कैसे स्टीप है, और लास्ट में जाके देखो यार कैसे चढ़ना है. तो हमें कह रहे थे लेकिन हमने तो साफ मना कर दिया था कि इतना नीचे हम सिर्फ पानी लेने के लिए नहीं आएंगे. वैसे तो बहुत पानी है हमारे पास, 6-7 लीटर. तो बस यार यही था आज का अपडेट फिलहाल अभी तक. तो थोड़ा सा होते हैं हम रेडी और उसके बाद चलते हैं मोइला टॉप एंड गुद्दर केव्स के लिए. भाई 9:30 बजे हम निकल गए थे वहां से कैंप साइट से अपने, और ये पूरा रास्ता देखो यार, अब कहने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर है लेकिन आधा घंटा हो गया हमें इस पर चलते चलते. बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है और बगल में मस्त देवदार के लंबे लंबे पेड़. तो गर्मी वगैरह तो नहीं है यहाँ लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है. और तो भाई यहीं से शुरू होता है हमारा मोइला टॉप के लिए पैदल सफ़र 2.5 किलोमीटर का, और पीछे आप देख रहे हो वो गाड़ी हमने कर दी है पार्क. चलो भाई फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ लोग गए हमसे आगे थोड़ा सा. पंकज भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जस्ट ये पीछे इधर से अभी करिए शुरू 9:40, देखो कब तक पहुंचते हैं. ईजिएस्ट ट्रैक कहूँगा मैं इसे अब तक का अपना, हालांकि अभी आगे बचा है 1.5 किलोमीटर. देखो कैसा रहता है आगे, क्या पता हो हल्का सा स्टीप जैसा शुरू में था. और नेचर देखो यार आप, ये चिर्प चिर्प की आवाज़ आ रही है जो कीड़ों की, बर्ड्स की, बहुत मज़ेदार नेचुरल म्यूज़िक विद नो कॉपीराइट. तो 1.5 किलोमीटर हो गया अब हमें चले हुए इन घने जंगल में, और इजी ट्रैक है. बस कहीं कहीं पे रास्ता जो है ऐसा है थोड़ा थोड़ा, देखो
अब यहाँ से मात्र जो है 1 किलोमीटर बचा है, चलते हैं। और पंकज भाई तो आगे जा चुके हैं। जंगल देखो यार, क्या घना जंगल है एकदम पूरा, बस पत्थर है जो खड़न जैसे पत्थर होता है ना जमीन से निकले हुए, प्रॉपर ट्रेल नहीं बना हुआ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, पर स्टिल दिस इज वेरी 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 इजी हाइक। और ऐसे नेचर हाइक्स जो है वो सबको करनी चाहिए यार, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इतना तो चलना चाहिए यार सबको। और वो देखो पीछे क्या सुंदर वैली है पूरी। सो भाई ये रही पहली झलक सामने, छोटा सा भुग्याल है यहाँ पे भी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मोइला टॉप के मुख्य आकर्षण बुधेर प्राकृतिक गुफा, अच्छा बुधर केव्स जो थी, पानी का तालाब, ऐतिहासिक परी मंदिर और सुरमय भुग्याल क्षेत्र, कनासर रेंज, चक्राता। ओके सो दीज 4 आर द मेजर अट्रैक्शंस हेयर। एक तो आपको दिखी रही है ये सुंदर सा भुग्याल यहाँ पे, और वो सामने पीक पे उधर वहाँ पे है मंदिर। अभी वो टॉप दिख रहा है सिर्फ मंदिर का, उस तरफ जाना है अभी। तो ये है भाई यहाँ पे महादेव का मंदिर मोइला टॉप पे, जय श्री गुरुदेव। और अभी फिलहाल जो है गांव वालों ने मंदिर को किया हुआ है बंद, जय श्री गुरुदेव, पुरानी आस्था है ग्रामीणों का। ओके 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 ओके, किसी भी तरह चमड़े की वस्तु का मंदिर से दूरी बना कर रखें। ठीक ठीक ठीक, इसीलिए मैं यहाँ से ऊपर भी नहीं गया। वैसे तो हम खाली पेट हैं और चमड़े का भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता अभी तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन बंदा कोई नहीं, जैसी महादेव की इच्छा। और आर्किटेक्चर देखो यार, हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के एरियाज में जो मंदिर हैं उनमें चाइना का जो है बहुत ही प्रभाव है, इसलिए चाइनीज जो है, जैसे महासु देवता था तो बहुत पुराने टाइम पे चाइना के राजा थे मिन करके मेरे ख्याल से नाम था, हाँ, तो उनके द्वारा वो बनवाया गया था उस समय आर्किटेक्चर। बाद में वो महादेव महासु भाइयों के कारण और महादेव के नाम से महाशिव से बना महासु। तो वो सामने है मोइला टॉप। वापस आते हैं टॉपिक पे, चलते हैं जल्दी पहुँचते हैं अभी और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मौसम भी जो है अब बारिश का हो रहा है। सो स्ट्रगल ऑफ क्लाइंबिंग मोइला टॉप, देखो यार आप ऐसा लग रहा है सीधा बादलों में जा रहा है, ओ ऊपर टॉप है, और वो उधर सामने उधर से भी हम आए। फाइनली भाई ये पहुंच गए हम मोइला टॉप, और थर्ड अट्रैक्शन चक्राता की हुई हमारी कंप्लीट। सामने ये है वो हिस्टोरिकल तालाब, ऐतिहासिक लेक, और इसी के नीचे कहीं है बुद्धर केव्स। तो काफ़ी अच्छा भुग्याल क्षेत्र है यहाँ पे, वेरी सिमिलर टू दयारा अली बेदनी भुग्याल्स। देखो यार मज़ा आ जाएगा यहाँ के, नेचर एट इट्स बेस्ट। चलते हैं भाई अंदर भी, यहाँ उधर के इसमें बहुत कंजस्टेड है, वैसे तो कह रहे हैं रिस्की भी है थोड़ा। गया अपना पंकज भाई, तो चलते हैं जरा, क्या यू खतरनाक ये जगह है यहाँ तो। पंकज भाई कहाँ है? अरे मेरी टांग फंस गई।
गॉड। आज भी है, इधर को आ जाओ, आराम से आना, सर लग रहा है ऊपर। पंकज कहाँ है तू? लेफ्ट में या नीचे? तो यार बहुत कम लोग आ रहे हैं, हिम्मत हार जा रहे हैं तो। यहाँ सो भाई, यहाँ बुद्धर के उसने 10 मीटर अंदर आते ही एक तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, सर भी ऊपर लग रहा है, हाथ पांव जो है बहुत लग रहे हैं। 10 मीटर के बाद ये बहुत ज़्यादा देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम हाई फ्रिक्वेंसी वाली और लॉन्ग डिस्टेंस वाली टॉर्च ही है यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी खाई है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग भी आएँ तो इसका बहुत ध्यान रखें, या तो फिर गाइड के साथ ही आओ यार। वो तो अच्छा हुआ कि भाई ने बता दिया अपने बाहर, क्या पता इसमें पाँव चला जाता खाई में, बस फिर हो गया था काम। तो ये थे भाई बुद्धर केव्स, तो काफ़ी रिस्की है अंदर जाना, अकेले जाना तो बहुत रिस्की है, विदाउट टॉर्च और विदाउट एनी गाइड बहुत रिस्की है। तो चले पंकज भाई, अभी बज रहे हैं 1:15 और अगली हमारी डेस्टिनेशन है टाइगर फॉल, तो चलते हैं और लेके चलते हैं आप लोगों को भी सीधा टाइगर फॉल। और मौसम भी अब थोड़ा यहाँ पे जो है ख़राब ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, तो चलते हैं हमारी आज की फाइनल और 5th डेस्टिनेशन टाइगर फॉल। तो भाई 1 घंटा हुआ है हमें मोइलिया टॉप से चले हुए, 1.5 घंटा तो पहले जाम में फंस गए थे और 1 घंटा भी चलते हुए हो गया, और सुबह से जो है एक टॉफी का दाना तक नहीं गया, अन्न का दाना तो छोड़ो, सिर्फ 2 ग्लास पानी पिया था उठ के। और बज रहे हैं अभी 1:40 हो गया दिन के, और अगली मंजिल जो हमारी टाइगर फॉल है वो देखते हैं, अभी जाना तो है क्योंकि मौसम जो है यहाँ पे भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, आगे शायद चक्राता में हमें बारिश मिले, यहाँ से चक्राता भी है 12 किलोमीटर। तो ये पहुँच गए भाई हम मेन चक्राता, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है सिर्फ पेट्रोल पम्प, क्योंकि फ्यूल जो है बहुत लो गया, ये गाड़ी हमने कर दी पार्क यहाँ पे, और थोड़ा सा जो है खा लेते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ब्रंच। यहाँ टाइगर फॉल पहुँचते ही जो है बहुत ही भयंकर जाम, और अभी लोकल्स बता रहे हैं कि इधर से पूरा जो है ये जाम होते हुए, सो भी बहुत जाम था, और मेन रीज़न था ट्रैवलर का, तो ये ट्रैवलर फंसा हुआ था इधर। तो सुल्तान हाथ लगा लूँ? काटेगा तो नहीं? अरे भाई आंखें बहुत खतरनाक है इसकी। तो फाइनली भाई शाम के 6 बजे वो पीछे हमने पार्किंग एरिया था वहाँ कर दी गाड़ी पार्क, और यहाँ से जो है अब थोड़ा सा चलते हुए आगे जा रहे हैं टाइगर फॉल की तरफ। अगर किसी ने ब्लॉग स्किप कर दिया तो मैं पहले बता दूँ, पहले की 4 जगह भी बहुत अच्छी थी, वो इससे अच्छी थी, तो वो भी ज़रूर देखो। और यह है टाइगर फॉल, और यहाँ आना तो यार देखो वीकेंड पे आप ना आए, कभी प्लान ना करें, क्योंकि बहुत बुरा हाल था जैसा आपने अभी देख ही लिया। अभी चलते हैं आगे यार। तो भाई 0.5 किलोमीटर पैदल चलने का हमने डिसाइड किया था, और वो सामने देखो उधर भी ये जो है यहाँ पे भी पार्किंग है, और इधर ये जो है ये है टाइगर फॉल का एरिया। गड्ढे गड्ढे हैं इस रोड पे, तो भाई कीचड़ भी है, गलती कर दी पैदल आके। तो ये पहुंच गए भाई हम फाइनली टाइगर फॉल, ये वॉकिंग डिस्टेंस है अब यहाँ से थोड़ा और नीचे वाली पार्किंग से, और तो भाई 2019 में जब पहली बार मैं आया था तो यहाँ पे बंदा है ना बंदे की जात जिसे बोलते हैं ना, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज हेयर। सो अब देखो आप जाम से ही पता चल गया होगा वैसे आप लोगों को।
तो चलते हैं भाई अब टाइगर फॉल से वापसी की तरफ। आज देखते हैं कहाँ रुकते हैं, चक्राता या फिर कहीं कैंपिंग करनी पड़ेगी या फिर देखते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, और एक खूबसूरत सुबह के साथ। आज थोड़ा अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ट्रिप का है आखिरी दिन, और कल यहाँ इस होटल रूम में हम रुके थे रात को। कल टाइम से आ गए थे हम यहाँ 8 बजे। ये जगह है सहिया, बहुत ही थोड़ा मैं कहूँगा आइसोलेटेड सी जगह है, उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर के बहुत क्लोज। तो ये बगल में छोटी सी नदी बहती हुई, और वैसे इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है टाइम से पहुँचने के बावजूद भी यहाँ हमें रात को खाना नहीं मिल पाया। तो बस थोड़ा जुगाड़ के साथ हमारे पास जो भी आइटम्स था वो तो अच्छा हुआ, तो कैंपिंग की वजह से कल लाइफ जो है सर्वाइव हो गई रात को, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। और ये सामने देखो छोटी सी नदी यहाँ पे बहती हुई, कैंपिंग की वजह से, मतलब कैंपिंग का थोड़ा सामान बचा हुआ था तो वही हमने खा लिया था रात को। देखो यार, और इस तरफ अभी मैं जाना विकास नगर होते हुए दिल्ली। तो बस जल्दी से करते हैं पैकिंग। और ये हमारे पंकज भाई देखो अभी सुस्ता रहे हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो चलें पंकज भाई, ओ रेडी यार, 7:30 तक निकलते हैं।